स्वनाम धन्य प्राता स्मरणीय महामान्य वो भी कह रहे हैं ये राजनीतिक है, ये रेप हत्या लूट छिनेती डकैती ये सब राजनीतिक होगी? देखिए सब राजनीतिक नहीं है, देखिए सब राजनीतिक नहीं है, जो राजनीतिक वो गलत है, जो लोग हत्या लूट रेप को राजनीतिक कह रहे हैं वो गलत है, लेकिन जो लोग जिनके ऊपर आंदोलन के केस है धरने पर बैठने का, समझे, जिनके ऊपर आंदोलन करने के अखिलेश भाई, अखिलेश भाई जरा कुछ आंकड़े सुन लीजिए। चलिए मैं जरा आपकी आंखों के सामने जो पर्दा पड़ा उसको साफ कर दूं। इस वक्त सांसद और विधायकों में से 4,807 सांसद विधायक इस देश में हैं और 1,460 के खिलाफ आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। 30% नेता दागी हुए, 162 सांसदों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं, 76 सांसदों के ऊपर जो मामले चल रहे हैं उसमें 5 से 7 वर्ष अधिकतम की सजा हो सकती है। धरना प्रदर्शन करने में कहां पे 5 वर्ष की सजा कौन से कानून में होती है बताइए तो जरा? पाकिस्तान के कानून उठा लीजिए ना, तब भी नहीं होती सजा। मैं बता रहा हूं, जब आप आंदोलन करते हैं तो पुलिस जो है क्या कहते हैं कि ऐसी धाराएं लगाती है जो आंदोलन से हटके होती है, उसमें हत्या नहीं लगाती, उसमें रेप नहीं लगाती, जैसे संजीव सोमपुर पर लगी रास्ता। नहीं नहीं नहीं, उसमें जो है क्या कहते हैं कि जैसे हमारे यहाँ एक नवोदय विद्यालय है उसमें 14 साल के बच्चे हैं, वहां का प्रिंसिपल जो है उन बच्चों को 6-7 महीने से ढंग से ना खाना देता था, कुछ अध्यापक अश्लील बातें करते थे और 1,500 लड़कों ने जो है आंदोलन किया और उसके बाद 14 साल के लड़कों ने जो है थोड़ी सी बिल्डिंग में तोड़फोड़ किया, थोड़ा सा हल्का फुल्का साग लग गया, 14 साल 16 साल के लड़के सच्चा लड़कों के ऊपर क्या वो अपराधी हुए? लेकिन उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया आगजनी का, जिसमें की एक लंबी सजा हो सकती है। अखिलेश जी मैं तो कबीर पंथी हूँ, तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूँ आखन देखी। 20-20, 40-40 असला बंद लोगों के साथ 25-25 गाड़ियों के काफिले में जननायक निकल रहे हैं, ये जनतंत्र है, इसके लिए लड़ाई लड़ी थी महात्मा गांधी ने, चंद्रशेखर आजाद इसके लिए शहीद हुए थे। ऐसा कौन सा कर्म कुकर्म करते हैं राजनेता जिनको 50-50 असला बंद लोग चाहिए? क्या काम करते हैं? उत्तर प्रदेश में कोई भी हद हो गई भाई, में कोई भी विधायक कोई भी सांसद 25 गाड़ियों के साथ नहीं चलता। अरे विधायक ही राजनेता नहीं है, केवल कोई भी सांसद कोई भी राजनेता 25 गाड़ियों के साथ नहीं चलता। देखिए अखिलेश जी एक मिनट प्लीज, अभी मैं आपको नाम लेके बताऊंगा तब टिप्पणी करिए, नाम लेके बताऊंगा कि वो लोग कैसे चलते हैं। दीक्षित जी रिस्पॉन्ड कीजिए प्लीज, है ना, बताऊंगा अभी, लेकिन टिप्पणी करनी पड़ेगी, फिर बच के नहीं जा सकते। पूरा जवाब दूंगा। देखिए सारा देश जानता है, आपने अभी संसद और विधानमंडल के सदस्यों पर दर्ज मुकदमों की सूची दिखाई है, ये सही है कि राजनीति का अपराधीकरण बढ़ा है, ये भी सही है कि अपराधी बहुत बड़े अपराधी खूंखार अपराधी राजनीति में घुस आए हैं और सभी राजनीतिज्ञों के प्रति आम जनता का विश्वास घटा है। इसी विश्वास की बहाली की दृष्टि से देश की सर्वोच्च न्यायपीठ ने एक निर्णय सुनाया था। ये कहना गलत है कि सर्वोच्च न्यायपीठ कानून नहीं बनाएगा, ये तो एक साधारण आदमी भी जानता है कि सर्वोच्च न्यायालय कानून नहीं बनाएगा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश मान्य करना चाहिए था, मान्य है, एक बात हो गई। ठीक है, दूसरी बात ये कि आखिरकार केंद्र सरकार के अभी माननीय हरीश जी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की इच्छा है कि ये कानून बन जाए, लेकिन वो पलट गई। भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दल है, उसकी इच्छा अनिच्छा का ख्याल आप क्यों करते हैं? आप सत्ता दल हैं, आपका बहुमत है, आपकी क्या इच्छा है? आपकी इच्छा तो दिखाई पड़ती है अध्यादेश के माध्यम से कि पूरे राजनीति के अपराधीकरण को संरक्षण देना है, अपराधीकरण का बॉडीगार्ड बनना है, अपराधीकरण का कवच बनना है, अपराधीकरण को सब्सिडी देनी है। आपके सामने कौन सा कविता था जो आप अध्यादेश? अमिताभ जी बहुत संक्षेप में एक रिएक्शन कर दो, ब्रेक पे जाऊंगा। अखिलेश जी ने बड़ा थोड़ा सा एक टिप्पणी की, मैं उस पर उनको एक उत्तर दे दूं। आदरणीय अतीक अहमद जी को कारवां जिन लोगों ने देखा होगा उनको स्मरण होगा कि उनकी जनसेवा कितनी उच्च कोटि की है। तीन गाड़ियां चलती सुन सुन, अरे बाप सुन तो लीजिए ना, ऐसे कौन सा खतरा है कि उनको 4-4 राइफलधारी और विदेशी रिवॉल्वरधारी चाहिए? किसको खतरा है?
अरे आप लोग छोटे नेता हो अखिलेश बाबू, सुनो सुनो बात सुनो, अरे भाई सुनिए, सुनिए तो हो सकता है, अरे सुनेंगे कि नहीं संविधान में व्यक्ति को अपनी रक्षा करने, अरे सुनेंगे कि नहीं भारतीय संविधान, अरे सुनो 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 मेरी बात सुनो अखिलेश भाई, अखिलेश भाई सुना सुना ये भी, आप लोग बड़े नेता हो सकते हैं लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर कार्यकर्ता हूं, अरे भाई सुनिए ना, आप बड़े नेता हो सकते हैं, आपके कार्यकर्ता भी आपको, अतीक भाई को, अफजाल भाई को, मुख्तार भाई को, शाहबुद्दीन भाई को बड़ा नेता माने, मुझे आपत्ति नहीं, लेकिन मैं एक निवेदन करूं, मैं जॉर्ज फर्नांडीज को आप लोगों से बड़ा नेता मानता हूं। जॉर्ज फर्नांडीज जब भारत के रक्षा मंत्री थे, भारत के रक्षा मंत्री, गाजीपुर के ब्लॉक प्रमुख नहीं था, समझ रहे हैं ना अखिलेश बाबू, गाजीपुर का ब्लॉक प्रमुख नहीं था, सुन लीजिए, तब उन्होंने मुझसे कहा कि वाजपेयी जी ने मुझसे कहा कि सुरक्षा लीजिए, उन्होंने कहा कि जिस दिन मुझे लगेगा कि मुझे सुरक्षा के बीच ही चलना है अब, उस दिन मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं अपनी इच्छा से इस पेशे में आया हूं, और उन्होंने उदाहरण दिया था दीक्षित जी, अद्भुत उदाहरण जॉर्ज का, जॉर्ज ने मुझसे कहा कि अग्निहोत्री जी सेना का सिपाही ग्लेशियर पर जो तैनात है सियाचिन में, बटालिक में, द्रास में, वो अगर ये कहे कि मेरी हिफाजत के लिए चार पुलिस वाले मुझे दो कमांडो, तो बोले बात क्या जायज है, बहुत बड़ी बात, ये बात क्या जायज, ये ब्लॉक प्रमुख पगला गए, बुलेट प्रूफ गाड़ी, धुआं धुआं करते हुए, रोला उठाते हुए गुजर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सड़कों, बहुत अच्छी बात, ये ब्लॉक प्रमुख चुटपुंजी है नेता, छोटे छोटे विधायक चुटपुंजी है जी, दो दो पांच पांच हजार से जीतने वाले जवाहरलाल हो रहे हैं, जॉर्ज हो रहे हैं, जयप्रकाश हो रहे हैं, लोहिया हो रहे हैं, धन्य भाई धन्य महाराज जी, और उसके बाद बेशर्मी से अपनी इस गुंडई को, अपनी इस गदवाई को और अपनी भोकाली को जस्टिफाई कर रहे हैं, ये ज्यादा शर्मनाक है। एक ब्रेक ले रहा हूं, एक टीवी की मजबूरी है, ब्रेक लेना जरूरी है, तुरंत लौट के आते हैं, इसी जगह से चर्चा को और आगे लेकर जाऊंगा। चुनाव लड़ेंगे दागी और भवाली, अध्यादेश से कोर्ट की काक निकाली, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, दागियों की दीवाली। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीवीजी ग्रीन सिटी, मात्र 20% जमा करके पाए अपने सपनों का घर, आज ही संपर्क करें 0522-309-3500। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो, किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो, गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है, स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है, हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम्स आइली क्या? पेंटागन मॉल हरिद्वार, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स, निर्माता सुपरटेक। सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है, स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है, हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। चुनाव लड़ेंगे दागी और भवाली,
काक निकाली। मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। शादियों की दीवाली। चलिए चर्चा को इसी तरह आगे बढ़ाएंगे। हरीश जी, बहुत देर तक आप ये पूरी चर्चा सुन रहे थे। आपने जब अपना तर्क खत्म किया तब आपने कहा कि कांग्रेस में सबसे कम 21% दागी सांसद हैं, सबसे ज्यादा 82% दागी सांसद झारखंड मुक्ति मोर्चा में, जिनके साथ मिलकर आप राज्य सरकार बनाए हुए हैं। सपा में 48% हैं और बसपा में 34% दागी हैं। इन दोनों ही दलों को केंद्र में आप गले लगाए हुए हैं, ऐसा है ना हरीश जी? झारखंड मुक्ति मोर्चा भी आपके साथ, सपा बसपा भी आपके साथ, ये दोनों सबसे बड़े दागी दल, नेता दागी। मतलब हम घुटने घुटनों तक है तो भाजपा कमर कमर तक है दागी जो है। हरीश जी, मुझे लगता है कि आप मेरे मूल सवाल को इग्नोर कर रहे हैं। अतुल जी, मैंने कहा हम घुटनों घुटनों तक हैं तो भाजपा जो है कमर कमर तक है। अरे आपके पैर कहे, आपके पैर कहे नाथुर शामिल हो तो कम से कम टिकट मिले ताकि हम घुटनों से नीचे आ जाए, टखनों तक रह जाए। लेकिन भाजपा जो है, भाजपा नहीं, आप मेरे सवाल को इग्नोर कर रहे हैं हरीश जी। आप बताएं 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 सवाल बताएं जी। सवाल मेरा सिर्फ इतना सा है कि आपके साथ सबसे कम दागी हैं, अच्छी बात है, मगर आप दागियों के साथ गलबहिया कर रहे हैं तो फिर आपका दामन पाक साफ कैसे हुआ? आप दागियों के साथ गलबहियां कर रहे हैं ना, हाथ मिला रहे हैं ना, शेर बकरी या बकरी शेर को एक साथ एक ही घाट पर पानी पिला रहे हैं ना, सपा बसपा को सरकार का समर्थन लिए है ना। जिस दिन भारतीय संविधान या भारत की संसद ये तय कर देगी कि जिन पार्टियों में दागी लोग हैं उनके चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, अरे जब सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है फैसला पलट क्यों देते हैं? आपने फैसला क्यों पलटा? आप संविधान की बात कर रहे हैं? नहीं, हमने तो जो एक अव्यवहारिक स्थिति खड़ी हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के कारण एक व्यक्ति का जो अधिकार है न्यायिक पुनर्याचना का वो समाप्त हो रहा था, वो प्रभावित हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आप अधिकारी बता रहे हैं, वो प्रभावियों को गले लगाए घूम रहे हैं। हमने कानून को बदलने का, और वो भी सबकी राय लेकर के किया है। अरे सब गलत करेंगे तो क्या सच ना, तो क्या गलत सही हो जाएगा? हरीश जी, क्या आपकी पार्टी के अध्यक्ष, सांसद या दूसरे नेता सुप्रीम कोर्ट के जजों से ज्यादा कानून जानते हैं? कानून बनाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमारे सर्वोच्च है, इस धरती का सर्वोच्चता का यह हाल है, कानून है। लेकिन कानून बनाने का अधिकार तो अतुल जी आप जानते हैं, आपने जनता जनार्दन के को दे रखा है, उसके माध्यम से चुने हुए प्रतिनिधियों को दे रखा है, संविधान को दे रखा है, न्यायपालिका को आपने विवेचना का अधिकार दिया है, और एजुकेटिव को एजुकेटिव जी। सवाल तो तब उठते हैं ना जब कुछ जनप्रतिनिधि दागी हो, भ्रष्टाचारी हो, भूमाफिया हो, बलात्कारी हो, अपराधी हो, तब क्या ऐसे दागी जनप्रतिनिधियों को भी हम कानून बनाने की इजाजत देंगे? हरीश जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं समाचार प्लस को सुझाव देना चाहूंगा कि आप ऐसे व्यक्तियों की तरफ अपना कैमरा घुमाइए और जनता जनार्दन से कहिए कि आप क्या ऐसे व्यक्ति को अपना सांसद बनाना, तो क्या राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी खत्म हो गई? ऐसे सिर्फ समाचार प्लस के सर पे सारा ठेका आ गया, एमएलए बनाना चाहेंगे? ये सवाल, मैं आपके आपके सवाल का स्वागत करता हूं। नहीं, समाचार प्लस का पूरा ठेका, समाचार प्लस नहीं कह रहा हूं, समाचार प्लस तो एक माध्यम है, एक प्रतीक है, जो आपकी जो न्याय हमारी मीडिया है, जिसको हम अपने इस समय संविधान का पांचवा पिलर मान करके चल रहे हैं। हम अपने उस पांचवें पिलर से अपील कर रहे हैं आपके माध्यम से। मैं तो समाचार प्लस का प्रशंसक हूं, उस प्रशंसक के नाते मैं आपको ये प्रिविलेज दे रहा हूं या आपको ये श्रेय दे रहा हूं कि आप जो है फोकस करिए कि भाई इस पर आपराधिक मुकदमा है, इसको मत चुनिए करके। अब देखिए, देश के कानून है जो समय समय पर बने हुए हैं, उन कानूनों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को न्यायिक रिलीफ पाने का, न्यायिक राहत पाने का हक है। अरे जो सरकारी नौकरियां कर रहे हैं, हमने उसी हक जो आम आदमी है, उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हो
राजनेता तो उनको राहत ना मिले, चुनावा प्रतिनिधि वो डंडे मार के जेल भेज दिया जाए मंत्री जी, न्याय के अंदर राहत पाने का उसका अधिकार समाप्त नहीं हो जाता है। ये तो आम आदमी के साथ भी लागू होता है ना संजय भाई, संजय सिंह, क्या ये आम आदमी के साथ लागू नहीं होता जो बात मंत्री जी कह रहे हैं? आपकी 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 बात एकदम सही है, ये आम आदमी के साथ पूरी तरह से लागू होता है और माननीय